हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी डिवीज़न बाय ज़ीरो कि हम डिवीज़न अगर ज़ीरो से करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड क्यों आता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसका प्रूफ अभी तक भी नहीं पता है कि मैंने ज़ीरो से डिवाइड किया तो वो नॉट डिफाइंड मैंने क्यों लिखा। बस आप लोगों ने क्रैम कर लिया कि मैंने किसी भी नंबर को 2 बाय 0, 4 बाय 0, 100 बाय 0, कुछ भी मैं कर रही हूँ डायरेक्ट लिख देता हूँ नॉट डिफाइंड। वो रीज़न क्या है बेटा नॉट डिफाइंड आने का, ठीक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। बेटा अगर मैं डिवीज़न की बात करूं तो व्हाट डू यू मीन बाय डिवीज़न। अगर मैं 4 को डिवाइड कर रही हूं 2 से, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा कि मेरे को कितने 2 चाहिए कि 4 आ जाए। राइट, मेरे को कितने 2 चाहिए कि क्या आ जाए 4। ठीक है, और कितने 2 से 4 बनता है 2 2 से, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 2। राइट, इसका मतलब क्या है डिवीज़न का कि कितने मेरे को 2 चाहिए कि आंसर क्या आ जाए 4। ठीक है, इन सेम वे 12 बाय 2, मेरे को कितने 2 चाहिए कि क्या आ जाए 12। राइट, कितने 2 चाहिए 6, तो क्या आ जाता है डायरेक्ट 12। राइट, अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास है 4 बाय 0, क्या बात करूं मैं 4 बाय 0। राइट, तो यहाँ पे 4 बाय 0 यानी कि मेरे को कितने 0 चाहिए कि मेरे पास आंसर क्या बन जाए 4। मेरे को कितने 0 चाहिए कि आंसर क्या बन जाए 4, क्या बता सकते हो। कितने भी कर लूँ 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, सारे के सारे आंसर्स आपको क्या देंगे 0 ही देंगे। तो मेरे को पता नहीं होता कि मैं कितने 0s लूँ कि मेरा 4 बन जाए। राइट, 0 इंटू 0, 0, 0 इंटू 0, 0, अगेन 0 इंटू 0, 4 टाइम्स लूँ, 5 टाइम्स लूँ, 7 टाइम्स लूँ, या पता नहीं कितने भी टाइम्स ले लूँ, आंसर मेरे पास क्या रहता है 0। तो वो कभी भी 4 बन ही नहीं पाता, तो यहाँ से मेरा क्या बन जाता है नॉट डिफाइंड। मेरे को पता ही नहीं मैं कितने सारे 0s ले लूँ। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होता है नॉट डिफाइंड। समझ आया कि अगर मैं किसी भी नंबर को, मान लो 5 है, 5 को 0 से डिवाइड करूँ, कितने 0s लूँ कि 5 आ जाए। कितने भी ले लो बेटा आंसर 0 ही रहेगा, 5 तो बनेगा नहीं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। राइट, अगर मैं बात करूँ कि मेरे को बात करनी है 0 बाय 5। ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकल के आता है, ये तो था मैंने 0 से डिवाइड किया था, ये क्या है मैं 0 को डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि 5 को जब मैं 0 को मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो मेरे को कितने 5 लेने हैं कि आंसर क्या आ जाए 0। तो मेरे को कितने 5 लेने हैं, 0 5 लेने हैं कि 0 बन जाए। 0 5 लूँगी तभी तो मेरे पास आंसर 0 बन जाएगा, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस और आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।